मॉर्निंग एवरीवन, फर्स्ट डे इन उत्तराखंड माय होम टाउन। बारिश हो रही है बाहर, बहुत बढ़िया। देखो मस्त मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बादल फेस के आ गए यार हल्के हल्के। गांव के घर के दर्शन कराते हैं। तो जी अभी जा लाइट जा रखी है तो ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं। तो ये हमारे गांव का घर हर्ट की शेप में, जैसा आप लोगों ने देखा हो नहीं देखा हो मूवी वगैरह में। और ये है यहाँ की अलमारी, अलमारी किताबें पढ़ता होगा क्या पता कोई यहाँ पर, बंद हो जा। यहाँ की अलमारी को भी बंद करने में मेहनत लगती है। यहाँ पर बनी है एक छोटा सा ब्लॉक सामान रखने के लिए, जिसमें अंदर लैदर की बॉल भी रखी है। और ये लैदर की बॉल हमारी टपाई हुई है लगता है, बुमरान लैदर की बॉल भी टपा रखी है। और बहुत सारी चीजें रखी हुई है। एक यहाँ पर स्लिप जैसी बना रखी है जिसमें बहुत सारे सामान रखे हुए। ये पानी भरने वाला गांव लोगों का, गांव में जो होता है। लाइट कम है ठीक है, फालतू की बातें नहीं। अपने हेलमेट, अपना देसी डाइट, देसी नहीं विदेशी डाइट, कैलॉग्स, पीनट बटर। और एक खिड़की है जिसका ओपन करने का स्टाइल बड़ा मस्त है, ये है, इसको ऐसे घुमा दो और ये खिड़की खुल जाती है। मैंने खिड़की खोली और एक खिड़की के बाहर से नजारे, जब आप सुबह उठो और सुबह उठो आपको ऐसे नजारे देखने के लिए मिले, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये थी कुछ झलक हमारे गांव के घर की। ये एक बेड, सब कुछ यहाँ खुद बना हुआ है, घर से लेकर अलमारी से लेकर सब कुछ। और इसकी जिम यहाँ भी चालू है, यहाँ भी जिम करने पर लगा हुआ है भाई। भाई हल चला ले जिम करना है तो। और बारिश कंटिन्यू है, ये है हमारे गांव की कच्ची सड़कें। अभी भी हमारे गांव में प्रॉपर सड़कें नहीं है, अभी भी हमें मार्केट के लिए या तो इन कच्ची सड़कों से जाना पड़ता है या पैदल जाना पड़ता है। लेकिन प्रॉपर गांव वाला फील आता है, विलेज वाला थीम। अगर सड़कें ही आ गई तो ये थोड़ा सा शहरी टाइप हो जाएगा, बट मज़ा आता है। माय होम टाउन, और अभी बारिश हुई है, बारिश की वजह से मौसम कितना प्यारा हो रखा है। शादी की तैयारी हो गई है स्टार्ट, और यहाँ पर चल रहा है रिपेयर मेंटेनेंस का काम। और बारिश रुक गई है, और मौसम देखो, बारिश रुकने के बाद क्या मस्त मौसम हो रखा है। ये व्यू, और एक चीज़ दिखाता हूँ उनको, ये देखो, ये है मेरी चाची जी जो बना रही है रोटी प्रॉपर गांव वाले स्टाइल में, चूल्हे की रोटी। और मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को इस चूल्हे की रोटी में ज़्यादा टेस्ट आता है गैस की रोटी से। आई लव दिस काइंड ऑफ रोटी जो चूल्हे पर बनती है। ये देखो, ये है छनी, जिसको आप लोग जानते हो गौशाला के नाम से। इसमें गाय भैंसे ये सब रहती है,
इसमें गाय वैसे सब रहती है, बकरियां भी इन्हीं में ही रहती है। प्रॉपर यहाँ पर इस एरिया में ना बहुत सारी छनी है, मतलब गौशाला है जहाँ पर गाय रहती है, भैंसे रहती है, बकरियाँ रहती है। और ये है, इसका नाम है भूरी। ये है मेरी चाची की भैंस भूरी, ये उसका बच्चा जिसको बांधा जा रहा है। बहुत भागता है ये कालू, भूरी का कालू।